हेलो दोस्तों, आइए आज हम आपको कुछ सिंपल सा ब्रेड सैंडविच विद चीज के साथ बनाने जा रही हूँ। इसके लिए सामग्री आपको क्या क्या चाहिए मैं बता रही हूँ। मैंने एक प्याज काट के रफली रखा है, एक ये कैरेट है, दो हरी मिर्च, ये चिली फ्लेक है, चीज है, ब्रेड है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये मेयोनीज, और मैंने ये आलू बॉईल करके रखा है। मैंने इसमें 5 चम्मच गर्म तेल करने के लिए डाला कढ़ाई में। इसमें मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब मैं प्याज और मिर्चा को डालूंगी। इसमें मैं साथ में ये गाजर भी डाल दूंगी कद्दूकस किया हुआ। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी पकने के लिए। अब ये गाजर थोड़े पकने लगे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक डाल रही हूँ अपने स्वाद अनुसार। थोड़ा सा स्वाद अनुसार आप नमक डालें और इसको 1 मिनट के लिए और फ्राई करें। उसके बाद में मैं इसमें मैश किया हुआ आलू डाल के 2 मिनट के लिए और फ्राई करूंगी। अब मैं मैश किया हुआ आलू इसमें डाल रही हूँ। अभी से 2 मिनट के लिए यूं चलाते रहूंगी और फिर 2 मिनट बाद गैस को ऑफ करके फिर ब्रेड में डालना है। देखिए ये अब रेडी हो गया है। इसमें आप चाहे तो गाजर के साथ साथ पत्ता गोभी, रेड बीट और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं अपने पसंद के अनुसार कोई भी सब्जी। मुझे गाजर पसंद है इसलिए मैंने गाजर डाला है। यहाँ मैंने चीज को कद्दूकस कर लिया। ये मेरे आलू तैयार हैं। अब मैं इसको फिलिंग करने जा रही हूँ। देखिए पहले आप इसको मेयोनीज को इस तरह से चारों तरफ फैला के अच्छे तरीके से लगा लीजिए। इसमें आलू इस तरह से फैला लीजिए। इसके ऊपर ये चीज को ऐसे ऐसे फैला के चारों तरफ से ओके। और इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस लगा दीजिए। अब इसमें हल्का सा रिफाइंड कोई भी, अब मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड लगा रही हूँ चारों तरफ से हल्का हल्का। आपको ज्यादा की जरूरत है आप ज्यादा भी लगा सकते हैं। अब मैं इसे सैंडविच मेकर में डाल रही हूँ और इसे बंद कर दी। जब ये ग्रीन हो जाए तो फिर निकाल के काट के सर्व कर दे। देखिए ये अब रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ। आप देखिए ये खाने के लिए एकदम रेडी है। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है क्योंकि इसमें चीज है। आई होप मेरे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। लाइक